नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं आप लोगों को पपीता के बारे में 10 ऐसी जानकारी देंगे जो आप लोग जानकर ही चौंक जाएंगे। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही पपीता खाए होंगे और अभी भी खा रहे हैं और आने वाले समय में भी खाएंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि पपीता कब और कितना खाना चाहिए। और हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि कब कितना पपीता खाएं तो हमें फायदा होगा और कब कितना पपीता खाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो आइए जानते हैं हम इन्हीं सब फायदे और नुकसानों के बारे में कि पपीता हमें कब खाने चाहिए या हमें कब नहीं खाने चाहिए, और हमें कब कितना मात्रा में खाना चाहिए और कब कितना मात्रा में नहीं खाना चाहिए। जो हमें फायदे हो तो हमारे शरीर को फायदा करे और हमारे शरीर को नुकसान ना करे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पपीता के फायदे और नुकसान के बारे में 10 बातें जो हमारे जीवन में बड़े ही काम आएंगे। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल FVF को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो की ओर चलता हूँ। पपीता कब नहीं खाएं, जानिए सावधानियाँ। पपीता खाना वैसे तो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन जाने कि पपीता कब नहीं खाएं। नंबर 1, पपीते का सेवन रात में नहीं करना चाहिए, यह पाचन तंत्र के लिए हानिकारक है। नंबर 2, पपीते को दिन में 2 बार खाया जा सकता है, इसका ज़्यादा सेवन ना करें। नंबर 3, पपीते की तासीर गर्म होती है, गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अस्थमा के रोगियों को भी पपीता कम ही खाना चाहिए। नंबर 5, ज़्यादा पपीता खाने से पैदा हो सकती है सांस की गंभीर समस्या। नंबर 6, ज़्यादा पपीता खाने से एलर्जी की संभावना रहती है। नंबर 7, यह भी कहते हैं कि ज़्यादा पपीते का सेवन ब्लड शुगर लेवल कम कर सकता है। नंबर 8, इसका ज़्यादा सेवन स्पर्म मोटिलिटी के लिए बुरा माना जाता है। नंबर 9, इसका संतुलित सेवन जहां डाइजेक्शन ठीक करता है, वहीं ज़्यादा सेवन डाइजेक्शन बिगाड़ भी सकता है। नंबर 10, दही, नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी और टमाटर जैसे खट्टे पदार्थों के साथ इसका सेवन ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल FVF को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, हमारे Facebook पेज FVF, Instagram FVF फॉलो जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।